प्यारे प्रत्यु नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोहनी क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीईटी 2024 की परीक्षा के लिए, जो आपकी 27 और 28 तारीख को ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होने वाला है और उसके बाद ट्वेल्थ लेवल का एग्जाम भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो उसके लिए राजस्थान जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हैं, तो क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे सामने है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं? रणथंबोर, सिवाना, भैंस रोडगढ़ या फिर कुंभलगढ़? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, भैंस रोडगढ़ दुर्ग को आपके दोस्तों राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। बात करें ये कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये दोस्तों चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 70.2, 75.1, 64.4 या फिर 81.9? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान में देखिए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011, तो ग्रामीण जनसंख्या टोटल आपके देखिए 75.1% थी 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि शहरी या नगरीय जनगणना की बात करूं तो 29.9 या टोटल बात करें टोटल देखिए आपके सॉरी 25.9 ठीक है ना, 25.9 टोटल आपके देखिए नगरीय या फिर जो है शहरीय जनगणना थी। टोटल इसकी माने तो आपके 25, देखिए आप सीधा मान सकते हैं 75% आपके ग्रामीण और 25% आपके शहरी, तो ये आपके जनसंख्या का अनुपात था। तो दोनों आपको ध्यान में रखने, इसका आंसर हो जाएगा नंबर दो, दूसरा ऑप्शन 75.1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, ग्वालियर अभिलेख में मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ, विमल साहा, नागभट या फिर मिहिर भोज? सभी को इसका आंसर बताना है। मल्लेच्छों का जो नाशक है ग्वालियर अभिलेख के अंतर्गत किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है देखिए आपके नागभट को। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया है, जयपुर के अंदर मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई है? 2010 से, 2013 से, 2015 से या फिर 2018 से? सभी को करेक्ट आंसर इसका बताना है क्या हो जाएगा। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई यही आप सभी को बताना है। तो ये सेवा देखिए आपके आरंभ हुई है कब से? 2015 से। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर साहब की संज्ञा दी है? बेंगू, मानगढ़, निमोचना या फिर डाबी? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन से नरसंहार को गांधी जी ने आपके दोहरी डायर साहब या जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताए हैं? तो वो हो जाएगा आपका निमोचना हत्याकांड। यहां पर देखिए गोविंद सिंह और माधो सिंह ने देखिए आपके सत्याग्रह किया था। इसके अलावा 1923 और 24 में ये शुरू हुआ था, जबकि 1925 में इसकी मीटिंग हुई थी। इस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर सही या फिर जलियांवाला हत्याकांड से भी विभत्स क्यों बताया? क्योंकि जनरल डायर ने जिस प्रकार से आपके देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोलियां चलाई थी, उसी प्रकार से छज्जू सिंह ने, जिससे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता, उसने देखिए आपके यहाँ पर गोलियां चलाई थी और नरसंहार यहाँ पर हुआ था जैसे आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। इसी कारण इसे दोहरी डायर सही या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया गया है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1970, 1975, 1980 या फिर 1985? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को इसका राइट आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी जो स्थापना है वो देखिए आपके 1975 के अंदर की गई थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी किससे संबंधित थी? जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से, अलवर राज्य से या फिर उदयपुर राज्य से? सभी को इसका आंसर बताना है। जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी है वो इनमें से किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी दोस्तों आपके जयपुर राज्य से, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदान, मरुस्थल, अरावली या फिर हड़ौती पठार? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है यही आप सभी से पूछा गया है। तो सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला जो भौतिक प्रदेश है वो हो जाएगा देखिए आपका मरुस्थल। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? बाबूजी, तेजाजी, गोगाजी या फिर मल्लीनाथ जी? सभी को इसका आंसर बताना है। इनमें से कौन से लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में स्थित है? तो कोलुमंड देखिए यहाँ पर आपके बाबूजी का मुख्य मंदिर स्थित है। बाबूजी जिनका दोस्तों रेबारी या थोरी जाति के दोस्तों प्रमुख लोक देवता ये कहलाते हैं। बाबूजी की फड़ दोस्तों सबसे लोकप्रिय फड़ कहलाती है। बाबूजी की जो फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़ कहलाती है। फूलम दे या फिर सुप्यार दे,
फूलम दे या फिर सुप्रियार दे इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, सभी को इसका राइट आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले उदयपुर में कृषि विद्यालय की स्थापना हुई थी, उसके बाद उदयपुर से सीधा इसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले 1962 में देखिए आपके बीकानेर के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना, उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए 1987 के अंदर बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, और 2009 के अंदर स्वामी केशवानंद दोस्तों यहां पर इसका नाम जो है कर दिया गया था। तो सबसे पहले आपके बीकानेर में देखिए आपके कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसके बाद उदयपुर के अंदर हुई थी, फिर देखिए कोटा के अंदर, बीकानेर बोर जो है बोरकेड़ा के अंदर, कोटा के अंदर, यहीं पे भी आपके जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले पूछा गया तो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा जसवंत सिंह। सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। विजय कटकातु की उपाधि कौन से राजपूत शासक को दी गई थी, तो इस ये उपाधि देखिए आपके महाराणा राज सिंह को दी गई थी। किसने दी थी, तो शाहजहां ने दी थी। ये महाराणा राज सिंह वही है जिन्होंने दोस्तों चारूमती के साथ विवाह किया था, ठीक है ना, राज प्रशस्ति दोस्तों इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। इसके अलावा दोस्तों राजसमंद जो झील है इसका निर्माण भी महाराणा राज सिंह ने ही करवाया था। इसके अलावा अन्य कई सारे दोस्तों उत्कीर्ण कार्य जो महल निर्माण है जो है नदियां वगैरह ये निर्माण जो है महाराणा राज सिंह ने करवाया था। तो इनकी जो उपाधि है विजय कटकातु ये इनको शाहजहां के द्वारा दी गई थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप इसे मान सकते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जालौर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में। सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क तो ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला बर्ड पार्क पूछा गया है, हालांकि जयपुर में भी आपका बर्ड पार्क बना हुआ, लेकिन सबसे प्रथम जो बर्ड पार्क है वो उदयपुर में स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, हुकम सिंह, अर्जुन सिंह, दरबारा सिंह या फिर जोगेंद्र सिंह। देखिए चार प्रमुख राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, जिनमें एक महिला राज्यपाल भी शामिल थी। देखिए एक तो है आपके, देखिए किससे याद करोगे, सबसे पहले डी यानी कि दरबारा सिंह, उसके बाद देखिए आपके एन से निर्मल चंद जैन, उसके अलावा देखिए आपके प्रभा राव भी इसमें शामिल है, और एक और शामिल है, ठीक है ना, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र कुमार जैन, ठीक है ना, ये चार शामिल है। सबसे पहले दरबारा सिंह, फिर आपके निर्मल चंद जैन, फिर आपके शैलेंद्र कुमार जैन, और उसके अलावा आपके जो आपके एक महिला राज्यपाल भी रही थी प्रभा राव। ये चार देखिए ऐसे राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, यानी कि इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दरबारा सिंह। इसके अलावा तीन और भी थे, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, सेवन और लिलोन घास राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश में होती है, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आद्र या फिर शुष्क। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देखिए घासों की बात हो रही है तो देखिए अंजन, करड़, सेवन, लिलोन, एंचा घास, मोता घास ये प्रमुख घास है। देखिए एंचा घास के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, एंचा घास ऐसी घास है जो कि देखिए भरतपुर में पाई जाती है, जिसमें देखिए पक्षी जो है उलझकर फंस जाते हैं और मर जाते हैं, ये आपके एंचा घास है। इसके अलावा देखिए मोता घास भी आपके देखिए भरतपुर के अंदर ही पाई जाती है। जो सेवन और लिलोन घास है वो आपके जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलती है, यानी कि शुष्क प्रदेश में आपके सर्वाधिक देखने को मिलती है। सेवन घास के अंदर देखिए गोडावण अपने अंडे देता है, इसी कारण इसे गोडावण की शरण स्थल भी कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, मेमंद, मोरखा, रकड़ी या फिर कंदोरा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। तो देखिए मेमंद, रकड़ी और कंदोरा ये तीनों आपके महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं, जबकि मोर का आपके पुरुषों द्वारा पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी है। तो 6,85,00,000 आपके राजस्थान की टोटल जनसंख्या है, ठीक है ना, वही आपके अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का पूछा गया है। एसटी की जनसंख्या उसमें कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान में देखिए अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपके 13.5% है, यानी कि पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देखिए राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था वो मत्स्य संघ के नाम से बनाया गया था। 18 मार्च 1948 को इस चरण का दोस्तों निर्माण किया गया था, और इसमें चार प्रमुख बड़ी रियासतों का दोस्तों विलय हुआ था, जिसे आप कैसे याद रख सकते हैं, एबीसीडी के नाम से याद रख सकते हैं।
एबीसीडी के नाम से याद रख सकते हैं, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, यानी कि इन चारों रियासतों का विलय जो है मत्स्य संघ में किया गया था। लेकिन मत्स्य संघ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था, तो 15 मई 1949 को शंकर राय देव समिति का सिफारिश पर दोस्तों इसे आपके जो है मत्स्य जो राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, यानी कि निर्माण तो प्रथम चरण में हो गया था लेकिन विलय जो है आपके राजस्थान में वो पांचवें चरण में हुआ था। और इसमें जो राजधानी है केएम मुंशी के नाम पर दोस्तों इस संघ का नाम आपके मत्स्य संघ रखा गया था, अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, जिला परिषद के सीईओ को, प्रधान को या फिर उप सरपंच को, सभी को करेक्ट आंसर इसका बताना है। जो गांव में ग्राम पंचायत या पंचायत समिति का दोस्तों ग्राम पंचायत का सरपंच होता है वो अपना जो त्यागपत्र है किसको सौंपता है, तो ये पंचायत समिति के विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। और क्लास आपको कैसी लग रही है ये आपको कमेंट में बताना, अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आगे देखिए पूछा गया है माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है, खांडू, बोरखेड़ा, घाटोल या फिर कटाना, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। माही बजाज सागर परियोजना का जो मुख्य बांध है कौन से स्थल पर निर्मित है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए ये जो बांध है वो देखिए आपके खांडू गांव में स्थित है, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी। देखिए कोपेन ने वनस्पति को आधार बनाकर इन चार प्रदेशों में देखिए अपने जलवायु वर्गीकरण किया है। ए डब्ल्यू जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जो कि आपके देखिए अति आद्र प्रदेश है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी वाला वो। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये आपके शुष्क प्रदेश यानी पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, बी एस एच डब्ल्यू ये आपके देखिए अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है और सी डब्ल्यू जी है वो देखिए आपके जलोढ़ जो क्षेत्र है, मैदानी जो क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। चूरू जिले का पूछा गया तो यहां पर देखिए आपके बी एस एच डब्ल्यू ये जलवायु पाई जाती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजविलास की रचना किसने लिखी थी, कविमान, खेम कवि, सूर्यमल मिश्रण या फिर श्यामल दास, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों राजविलास की रचना किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी आपके कवि मान ने, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, गायन, चित्रण, लेखन या फिर वानिकी, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान कबीर यात्रा का जो संबंध है कौन से क्षेत्र से है, तो इसका संबंध आपके गायन से है, पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध या कौन से शहर प्रसिद्ध है, बीकानेर, जोधपुर, कोटा बूंदी, अलवर, जयपुर या फिर झालरापाटन और बारा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कोप्तगिरी के काम के लिए इनमें से कौन से शहर प्रसिद्ध है यही आप सभी से पूछा गया है, तो कोप्तगिरी के काम के लिए देखिए आपका अलवर और जयपुर शहर प्रसिद्ध है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी, राव मालदेव, राव जोधा, राव रणमल या फिर राव सातल, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो गुड़ला उत्सव है जो कि मारवाड़ या जोधपुर का प्रसिद्ध उत्सव है, इसकी शुरुआत दोस्तों किस शासक के काल में हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपके राव सातल के काल में हुई थी, जब दोस्तों गुड़ले खां का आक्रमण हुआ था आपके, जिन्होंने महिलाओं का जो है अपहरण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है, चैत्र माह में, वैशाख माह में, कार्तिक माह में या फिर पौष मास में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शाहपुरा का जो फूलडोल मेला है दोस्तों किस महीने में आयोजित होता है, तो ये आयोजित होता है दोस्तों आपके चैत्र माह में, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों बताइए 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, और यहां से दोस्तों डेली क्लासेज आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, ऐसी क्लासेज चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।